आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ट्रंप आ रहे हैं, उनके साथ भारी भरकम लाव लश्कर भी आ रहा है, उनकी पत्नी मिलानिया भी साथ आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रंप के अपने साथ अपनी मास्टरमाइंड को भी वो साथ ही लेकर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप के बाद उनकी मास्टरमाइंड की बात सबसे ज्यादा सुनी और मानी जाती है। वो एक अरबपति महिला है। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अरबपति मास्टरमाइंड पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आप अमेरिका को चलाने वाले मास्टरमाइंड को जानते हैं? वो मास्टरमाइंड जिसके बिना अमेरिका में पत्ता भी नहीं हिलता। ट्रंप के हर फैसले पर उस मास्टरमाइंड की मोहर लगती है। फैशन से पॉलिटिक्स तक ट्रंप के मास्टरमाइंड की धूम। भारत में अपने मास्टरमाइंड के साथ आ रहे हैं ट्रंप। ट्रंप के मास्टरमाइंड से पीएम मोदी का पुराना रिश्ता। खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर उतनी ही खूबसूरत मुस्कान, आंखों में गजब की चमक, आत्मविश्वास से भरे कदम, दिमाग में हर वक्त बनती बिगड़ती रणनीतियां, बला की खूबसूरती और उसके साथ स्मार्ट ब्रेन, यही है उसकी पहचान, जिसे ट्रंप का मास्टरमाइंड कहते हैं। नाम है इवांका ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुख्य सलाहकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जो लोग करीब से जानते हैं वो इवांका ट्रंप से अनजान नहीं है, लेकिन दुनिया इवांका के बारे में कम जानती है। ट्रंप पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं और उनके साथ इवांका भी होंगी। इवांका को 5 तस्वीरों के जरिए समझिए। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के बाद इवांका की चलती। वो अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार, अमेरिका में पावरफुल बिजनेस लेडी के रूप में भी मशहूर है। बिजनेस से पहले वो फैशन की दुनिया में सुपर मॉडल रह चुकी है। इवांका के पास 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी उनकी धूम है। ट्विटर पर 70 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब आपको ट्रंप के बड़े फैसलों पर मुहर लगाने वाली इवांका की शख्सियत के हर पहलू से रूबरू कराते हैं। इवांका ट्रंप यानी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की सलाहकार। अमेरिका उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के आंख और कान के तौर पर जानता है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ये हो नहीं सकता कि इवांका से बिना सलाह मशवरा के ले, और इसलिए अमेरिका उन्हें फर्स्ट डॉटर के नाम से जानता है। इवांका पिता को नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के मुखिया को सलाह देने का काम करती है। इवांका ट्रंप की पहली पत्नी इवाना की बेटी है। अमेरिका की राजनीति में वो फर्स्ट डॉटर है। इवांका की सलाह से ही ट्रंप बड़े फैसले लेते हैं। इवांका आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर सलाह देती हैं। विदेश दौरों पर भी ट्रंप इवांका की सलाह लेते हैं। जो बेटी है इवांका ट्रंप और उनके जो दामाद हैं जारेड कुश्नर, वो दोनों सीनियर एडवाइजर भी हैं। वो केवल उनके बेटी और दामाद ही नहीं है, परंतु उनका बहुत अहम रोल है जो कि वो अदा करते हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में। उनका यहाँ पर प्रेजेंस इस हमारे दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा और तेज करेगा। इवांका ने अपने दम पर अमेरिका में एक बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया। ये इवांका की काबिलियत ही है कि किसी को भी जानकर ये रश्क हो जाए कि अपने दम पर इवांका 2,000 करोड़ की मालकिन बन बैठी। अपने फैशन सेंस, अपने जलवों और बिजनेस माइंड की बदौलत अमेरिका में इवांका के नाम की धूम है। ट्रंप की बेटी इवांका कामयाब बिजनेस लेडी है। इवांका के पास करीब 2,000 करोड़ की दौलत है।
फैशन ब्रांड्स की दुनिया में इवांका बहुत मशहूर है। इवांका के पति जेरेड कुशनर रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। इवांका के पति कुशनर भी ट्रंप सरकार में सलाहकार हैं। इवांका को पहली नजर में देखते ही लोग समझ जाते हैं कि वो फैशन की दुनिया से आती है। अपने पिता की सलाहकार बनने से पहले इवांका ने अपने मॉडलिंग के दिनों में खूब दौलत और शोहरत कमाई। न सिर्फ मॉडलिंग की बल्कि उन्होंने अपने नाम से कपड़े, जूते, परफ्यूम्स, हैंडबैग्स सब कुछ लगभग लॉन्च कर दिया और यही कारण है कि वो 2000 करोड़ की मालकिन बन बैठी। सिर्फ इतना ही नहीं, 1997 ये वो दौर था जब इवांका खूब सुर्खियों में आई 1997 में मिस टीन यूएसए का आयोजन कर। इवांका ने अपने नाम से बड़ा फैशन ब्रांड लॉन्च किया था। इवांका ब्रांड के कपड़े, जूते, हैंडबैग बहुत मशहूर है। अमेरिका में इवांका ब्रांड के गहने भी खूब बिकते हैं। 1997 में मिस टीन यूएसए प्रतियोगिता भी आयोजित की थी। इवांका जो मैंने देखा है और हम सब उसके लिए क्रेजी हैं, वो परफेक्ट एग्जांपल है कि एक ब्यूटी विद ब्रेन और कैसे उन्होंने अपना एम्पायर चलाया है और वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और अपने आप को कैसे कैरी करती हैं, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। और ये भ्रम उन्होंने वाकई ही तोड़ दिया है कि एक खूबसूरत लड़की के पास दिमाग ज्यादा नहीं होता या उसमें दिमाग की कमी होती है। क्यों अंका ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक सलाहकार बनने से पहले एक बहुत मशहूर मॉडल थी। फोर्ब्स समेत दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स में, मशहूर मैगजीन्स में कवर गर्ल बनकर छा चुकी थी। लेकिन अपने कपड़ों, अपने जूतों का, अपने पूरे लुक का कितना ख्याल रखती हैं इवांका, इसी बात से आप समझ सकते हैं कि वो अपने ड्रेस तक खुद डिज़ाइन करती हैं। और न सिर्फ डिज़ाइन करती हैं बल्कि हर बार जब कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती हैं उसकी एक सेल्फी लेती हैं और सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए पोस्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हैं। ट्रंप की सुपर मॉडल बेटी इवांका कई बड़ी फैशन मैगजीन्स के कवर पर छा चुकी हैं। 1997 में पहली बार 17 मैगजीन के कवर पेज पर थीं। इवांका फोर्ब्स मैगजीन की कवर गर्ल रह चुकी हैं। हार्पर बाजार मैगजीन के कवर पर भी आ चुकी हैं। मार्क बोवर और थैरी मगलर के लिए रैंप वॉक किया था। टॉमी हिलफिगर और सासोन जैसे ब्रांड्स के लिए ऐड किए हैं। फैशनेबल ड्रेस में सेल्फी खींचकर पोस्ट करती हैं। इवांका ट्रंप यूं तो सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो खूब लिखती और पोस्ट करती हैं। इवांका ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं। ट्विटर पर वो फैमिली से संबंधित चीजें पोस्ट करती हैं, साथ ही अमेरिकी सरकार के फैसलों से संबंधित चीजें भी खूब लिखती हैं। ट्विटर पर इवांका कई वीडियो भी पोस्ट करती हैं। 2009 से ट्विटर पर एक्टिव इवांका के 7.5 मिलियन यानी करीब 7.5 लाख फॉलोअर्स हैं और वो सोशल मीडिया पर कई कैंपेन भी चलाती हैं। इवांका ट्रंप का ये दूसरा भारत दौरा है। साल 2017 में भी इवांका भारत आई थी और आई थी तो नारी सशक्तिकरण का मैसेज लेकर। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी एक खास मुलाकात हुई थी और उस खास मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खास तोहफा, गुजरात का बना एक खास तोहफा भेंट किया था। और उस खास तोहफे के अब भी, आज भी अमेरिका में लोग बड़े स्तर पर दीवाने हैं। उस खास तोहफे का एक क्रेज है अमेरिका में। ट्रंप पहली बार भारत आ रहे हैं, लेकिन उनकी मुख्य सलाहकार और बेटी इवांका का भारत से बहुत पुराना रिश्ता है। इवांका 2017 में अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस समिट के लिए हैदराबाद आई थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत की शिल्प कला सदेली कारीगरी वाला लकड़ी का बॉक्स दिया था। सदेली कारीगरी में लकड़ी पर बहुत कुशल मीनाकारी की जाती है। इस शैली का प्रयोग दरवाजों, खिड़कियों और फर्नीचर को सजाने के लिए किया जाता है। 19वीं सदी में ब्रिटेन से भी सदेली कारीगरी बहुत लोकप्रिय हुई थी। अब इवांका दूसरी बार भारत दौरे पर आ रही हैं, तो उनकी तमाम पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी और यहां से यादों की नई दुनिया लेकर जाएंगी। आशा झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की हैं और वो 5 बच्चों के पिता और कई नाती पोतों वाले राजनेता भी हैं। ट्रंप भले ही दुनिया की कूटनीति में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हो, लेकिन वो अपनी लंबी चौड़ी फैमिली के लिए वक्त निकालना कभी नहीं भूलते। उन्होंने तीसरी शादी 52 साल की उम्र में खुद से तकरीबन आधी उम्र की मॉडल मिलेनिया से की।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरबपति बिजनेसमैन है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने अपने पहले भाषण में अपने परिवार का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मेरा परिवार बहुत शानदार है, मैंने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा है। तस्वीरों में अक्सर ट्रंप अपने परिवार के साथ नजर आते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत के पूरे परिवार से आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रंप की तीन पत्नियां। ट्रंप की पहली पत्नी का नाम है इवाना, जो ओलंपियन थी। 1977 में ट्रंप ने इवाना से शादी की थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम है मार्ला मेपल्स, जो एक्ट्रेस थी। ट्रंप ने उनसे 1993 में शादी की थी। और तीसरी पत्नी है मेलानिया, जो मॉडल रह चुकी हैं। मेलानिया से ट्रंप ने 1995 में शादी रचाई। तीन पत्नियों के बाद अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के पांच बच्चों से मिलवाते हैं। ट्रंप का फैमिली ट्री ऐसा है। ट्रंप के कुल पांच बच्चे हैं। पहला बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है, जो पहली पत्नी इवाना से है। दूसरा बेटा एरिक है, वो भी ट्रंप और इवाना का बेटा है। इनके अलावा बेटी इवांका भी इवाना और ट्रंप की संतान है। ट्रंप की दूसरी पत्नी मार्ला मेपल्स से एक बेटी है, जिसका नाम टिफनी है। तीसरी पत्नी मेलानिया से ट्रंप को एक बेटा है, जिसका नाम बैरन है। पहली पत्नी से तीन बच्चे, दूसरी और तीसरी पत्नी से एक एक बच्चे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा परिवार काफी बड़ा है। पांच बच्चे, एक दामाद, दो बहू, पांच पोते पोती, दो नाती और एक नातिन वाले ट्रंप अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। हालांकि सभी बच्चों में इवांका और टिफनी उनके बहुत करीब। ट्रंप की दोनों बेटियां पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, फिर चाहे चुनावी अभियान हो या फिर पिता का बिजनेस प्लान। ट्रंप की बेटी इवांका ने जेरेड कुश्नर से शादी की। ट्रंप और इवांका एक ही कॉलेज से पास आउट है। इवांका ने शुरुआती पढ़ाई मैनहट्टन इलिट चैपिन स्कूल से की है। 15 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए कनेक्टिकट चली गई। स्कूल से निकलने के लिए उन्होंने मॉडलिंग का रास्ता चुना। इवांका ने 2 साल जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की। इवांका के पिता डोनाल्ड ट्रंप भी इसी कॉलेज से पढ़े। इवांका ने 2009 में जेरेड कुश्नर के साथ शादी की। जेरेड एक अमेरिकी कारोबारी है। इवांका और जेरेड की जोड़ी अमेरिका में बहुत मशहूर है। इनके जोड़े को प्यार से जे वांका कहा जाता है। 2012 में इवांका ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सगाई होने के बाद खाना बनाना सीख लिया था। इवांका ने कहा था, मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। मैंने अंडे उबालना भी गूगल पर सीखा, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मुझे अपने पति के लिए खाना बनाना चाहिए, ताकि जब वो काम से घर लौटे तो मैं उन्हें खाना बनाकर खिलाऊं। कम से कम हफ्ते में एक बार तो मैं ऐसा कर ही सकती थी। इवांका और जेरेड कुश्नर के तीन बच्चे हैं, एक लड़की और दो लड़के। इवांका ने अपनी किताब वुमेन हु वर्क में लिखा है कि वो अपने बच्चों की देखभाल में बहुत वक्त लगाती हैं। उन्होंने लिखा, मैं रोजाना लगभग 20 मिनट जोसेफ के साथ उसके खिलौने वाली कार से खेलती हूँ। अराबेला को किताबें पसंद है, तो मैं उसके लिए नोट्स बनाती हूँ, जबकि शियोडोर अभी छोटा है, इसलिए उसके लिए मैं रोज 2 से 3 बोतल दूध का इंतजाम तो जरूर करती हूँ, जिससे उसे रात में भूख ना लगे। डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया की लव स्टोरी भी काफी चर्चित रही। ट्रंप और मेलानिया की प्रेम कहानी 1998 में शुरू हुई थी। उस वक्त ट्रंप 52 साल के थे और मेलानिया 28 साल की। ट्रंप तब राजनीति में नहीं आए थे और रियल एस्टेट सम्राट के तौर पर जाने जाते थे। न्यूयॉर्क सिटी फैशन वीक चल रहा था और टाइम्स स्क्वायर के किट कैट क्लब में पार्टी थी। यहीं ट्रंप की नजरें मेलानिया से मिली और उन्हें प्यार हो गया। अप्रैल 2004 में ट्रंप ने मेलानिया को $1.5 million के हीरे की अंगूठी पहनाकर शादी का प्रस्ताव दिया। ये वो दौर था जब ट्रंप ने कहा था कि उनकी सफलता के पीछे मेलानिया का हाथ है। ट्रंप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार के लिए वक्त जरूर निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।